हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंडों के साथ जो कि सी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई क्वारी है, कोई कमेंट है या कोई आपको कुछ पूछना चाहते हैं तो कोई सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करें। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, सब्सक्राइब माई चैनल लर्निंग टाइम। थैंक यू फ्रेंड्स। आप बात करते हैं रिलॉक फंक्शन के बारे में, उसके सिंटेक्स और किस प्रकार हम प्रोग्राम में यूज करते हैं, उसका क्या यूज है, उन सबके बारे में अब हम बात करेंगे। ठीक है, रीलॉक फंक्शन हमारा फ्रेंड्स जो होता है कि किसी भी रीअलोकेशन करता है मेमोरी में, यानी हमने जो एमलॉक और केलॉक फंक्शन का यूज करके जो मेमोरी क्रिएट करी थी उसी मेमोरी को हम द्वारा से रिक्रिएट करते हैं, यानी अपने अनुसार। जो मान लीजिए आपने कोई मेमोरी क्रिएट करी एमलॉक द्वारा तो आपको लगता है कि वो साइज ज्यादा या कम है तो उसको अपने अनुसार रीअलोकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसी पॉइंटर में जो हमने जिस पॉइंटर है, क्योंकि इसमें मेमोरी एलोकेट करने के लिए हम पॉइंटर के यूज कर रहे हैं तो उसी पॉइंटर जो एक बेस उसका एड्रेस लेता है उसी पॉइंटर के द्वारा, ठीक है, तो हम उसको मेमोरी को फिर से रीअलोकेट करते हैं। तो इसी में ये हमारा रीअलोकेशन होता है, यानी जो अब लगता है कि हमें प्रोग्राम में हमारी मेमोरी अब क्या है और थोड़ी हमें और चाहिए तो हम उसको क्या कर सकते हैं फ्रेंड, फिर से मेमोरी को द्वारा से उसका साइज बढ़ा सकते हैं, रीअलोकेट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है इसमें मेमोरी का साइज थोड़ा हमें घटाना है, ठीक है, क्योंकि अब ज्यादा ले लिए तो हमारी जो हमारी मेमोरी वेस्ट हो रही है तो उसको हम डिक्रीज भी कर सकते हैं, तो यही हमारा काम रहता है रीअलॉक। ठीक है, देखिए इसका फ्रेंड्स का सिंटेक्स किस प्रकार रहेगा। हमारी जो सिंटेक्स है लगभग सब एक जैसे ही है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के, देखिए। ठीक है, ये वॉइड है जो हमारे जो प्रोग्राम में जो हेडर फाइल में इस तरीके से कुछ आपका डिक्लेयर रहेगा, वॉइड है। ये वॉइड हमारा किस टाइप कास्ट टाइप का है, जो कि फ्रेंड्स क्या करता है, जो भी आप डेटा टाइप लेंगे उसी डेटा टाइप में उसको कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इसे पॉइंटर क्या करेगा, ये पॉइंटर वेरिएबल है तो आपको ये क्या करेगा, उसके पॉइंटर वेरिएबल से उसके एक एड्रेस जो उसका मेमोरी हमने क्रिएट करी होगी फ्रेंड्स, ठीक है, उसका एड्रेस को पास करेगा दूसरे पॉइंटर वेरिएबल। ठीक है, तो अभी फिलहाल इसको समझते हैं, ये हमारा वॉइड पॉइंटर है और इन साइज देना है। अब मान लीजिए मैंने पहले एम लॉक के द्वारा 50 साइज दिया था, अब मुझे साइज और बढ़ाना है तो यहाँ पर मैंने 60 लिख दूंगा। ठीक है, 60 से लिख दूंगा और इस तरीके से वॉइड पॉइंटर दूंगा। ये हमारा पुराना वाला जो हमने मेमोरी एलोकेट की, क्योंकि हम काम किस पे कर रहे हैं, उसी में एड्रेस पे काम कर रहे हैं जो कि हम द्वारा से क्रिएट कर रहे हैं उसी एड्रेस का, तो ये क्या होगा, जो हमने पहले वाली जो मेमोरी से साइज क्रिएट किया था उसका एड्रेस होगा, जो बेस एड्रेस होगा, ठीक है, उसी एड्रेस पे जाके द्वारा से उसका साइज को फिर से रिक्रिएट कर देगा। तो ये क्या करता है, साइज बढ़ा देगा। ठीक है, 10 बाइट का साइज होगा, टोटल साइज कितना हो गया, 60 हो गया। इस तरीके से 60 होने के बाद क्या होगा, उसका बेस एड्रेस होगा। आप चाहें तो नए वाले पॉइंटर में भी स्टोर करा सकते हैं, चाहे तो पुराने वाले में। ठीक है, तो रीअलोकेट में यहाँ पे फ्रेंड्स आप जो देखिए जिस टाइप के डेटा टाइप लेंगे उसी टाइप के डेटा टाइप में मेमोरी आपको एलोकेट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे आप क्या होगा, जिस टाइप के डेटा टाइप होगा उसके डेटा टाइप में आपको फिर से मेमोरी एलोकेट कर देगा। ठीक है, ये पॉइंटर वेरिएबल रहेगा ये हमारा। ठीक है, ये पॉइंटर टाइप का होगा, तो पॉइंट क्योंकि रीअलोकेट हमारे पॉइंटर टाइप का होगा और जो रिसीव करने वाला होगा पॉइंटर वेरिएबल होगा, तो इसलिए हमें ये जो वैल्यू जो रिटर्न करता है एड्रेस रिटर्न करता है। ठीक है, ये पॉइंटर है तो इसलिए पॉइंटर टाइप के एड्रेस रिसीव करेगा। ये हमारा सिंटैक्स, इस तरीके से हम हमारा प्रोग्राम, अब जो एक्चुअल सिंटैक्स जो प्रोग्राम में हम लिखेंगे उसके बारे में जानते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने लिखा है, देखिए ये एसटीआर मैंने पहले लिया हुआ, एम लॉक या के लॉक में कोई भी एक मैंने मेमोरी क्रिएट करी। ठीक है, मान लीजिए मैंने 50 या 30 मान लीजिए 30 साइज दिया, अब मुझे चाहिए साइज कम करना है तो यहाँ पे मैं 525 कर दूंगा, तो इससे क्या होगा, एसटीआर का साइज 5 साइज और बाइट का घट जाएगा। ठीक है, जो एसटीआर यहाँ पे क्या करेगा, उस एड्रेस पे ले जाएगा और उसका साइज को घटा देगा। ठीक है, तो रीअलोकेशन द्वारा से फिर क्या हो, रीअलोकेशन फिर से हो गया, यानी मेमोरी फिर से क्रिएट हुई जिसका साइज 25 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अब यहाँ पे हम क्या करेंगे फ्रेंड, अब जो हमारा डेटा टाइप रहेगा उस डेटा टाइप के अनुसार ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आप जो डेटा टाइप लेंगे उसमें कन्वर्ट होगा, पर इसका आप ये क्या होगा, फिर से आप चाहे तो नया पॉइंटर वेरिएबल ले सकते हैं, यहाँ पे मैंने एसटीआर ही ले रखा पुराना, आप चाहे तो नया भी ले सकते। ठीक है, नया पीटीआर अगर आप चाहें तो उसमें नहीं, नया उसमें क्या होगा, पीटीआर में ये एड्रेस चला जाएगा। ठीक है, एड्रेस इसी का ही जाएगा एसटीआर वाले का बेस एड्रेस। ठीक है, आप पीटीआर में फिर से पीटीआर में नया एड्रेस चला जाएगा, इस तरीके से वर्कआउट करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारे ये काम करता है रीलोकेशन का। फ्रेंड्स देखिए, चित्र के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। हमारा देखिए सीपीटीआर हमारा पुराना वाला पॉइंटर वेरिएबल की जो एड्रेस है उसके अंदर 20 एड्रेस हो जाता है। ठीक है, अभी अब तक हमने एमलॉक से और केलॉक से जो भी मेमोरी क्रिएट करी थी तो उसका 20 एड्रेस के अंदर रहता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से देखिए, ये हमारा सीपीटीआर है तो उसमें 20 एड्रेस, इसमें 2000 है तो
तो 2000 के क्या करेगा, उस एड्रेस पे ले जाएगा और फिर से क्या क्रिएट करेगा, एक आपका एक साइज क्रिएट करेगा, ठीक है। आपको रियलोकेशन उसी मेमोरी पे काम करेगा, उसी मेमोरी पे काम करेगा, इसका मतलब क्या होगा, उसी एड्रेस पे काम करेगा, ठीक है। तो उस एड्रेस पे क्या करेगा, उसके जितना आप साइज देना चाहते हैं, आप इंक्रीज करना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, उसके अनुसार आप साइज दे सकते हैं। तो यहाँ पर कैर लिया है, तो कैर का मतलब क्या होगा, यहाँ पर 1 byte, ठीक है। तो 1 byte का मैंने क्या करा, 1 byte का मैंने 9 से मल्टीप्लाई, तो मैं चाहता हूँ 9 byte का एक ब्लॉक क्रिएट कर दे, ठीक है, CPTR। तो ये क्या होगा, CPTR के उस वाले एड्रेस पे ले जाएगा, तो 9 ब्लॉक का एक आपका मेमोरी एलोकेट कर देगा, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा, फिर CPTR में जो यहाँ पे हमने पॉइंटर, आप चाहे तो नया रखते हैं क्योंकि ये पुराना ही है, ठीक है। CPTR आपसे यहाँ से पता चला पुराना है, तो इसी पुराने वाले पे फिर से वही एड्रेस चला जाएगा, ठीक है, बेस एड्रेस, ठीक है। तो ये हमारा फिर से 2000C में आ गया, ठीक है। तो इसका ही बेस एड्रेस चला गया। तो आपकी जो अनुसार जो आप मेमोरी क्रिएट करना चाहते हैं, जिस आप यहाँ पे फ्रेंड्स वो मेमोरी का मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जिस मेमोरी में आप क्रिएट, जिस टाइप के डेटा टाइप में क्रिएट करना चाहते हैं, उस टाइप डेटा टाइप की मेमोरी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कुछ वर्क करता है, आप देख सकते हैं, आपको आई होप समझ नहीं आ रहा होगा। यहाँ पे CPTR में जो बेस एड्रेस आ चुका है, ठीक है। तो हमारा पॉइंटर क्या होता है, किसी भी एक वेरिएबल का एड्रेस लेता, तो ये हमारा एक मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं, तो उसका भी एक एड्रेस होगा। तो उसी सेम डेटा टाइप है, तो सेम डेटा टाइप का वॉइड टाइप का है, तो वॉइड इधर भी हमने लिया है, तो उसी टाइप का डेटा टाइप के एड्रेस को वैल्यू ले लेगा, ठीक है। आप जिस डेटा टाइप का लेंगे, उसी डेटा टाइप के एड्रेस को एक्सेप्ट कर लेगा। देखिए चित्र के द्वारा फिर से समझ लीजिए, मान लीजिए PTR हमने लिया था, पुराना वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करा, फिर न्यू साइज दिया आपने, कोई भी इसको नया साइज दिया फिर से, क्योंकि हम मेमोरी द्वारा से फिर से रिक्रिएट कर रहे हैं, जिससे कि अपने अनुसार साइज जो भी हम घटाना बढ़ाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, PTR लिया। तो ये क्या करेगा, आपको जो नई मेमोरी क्रिएट कर दे, जो पुरानी मेमोरी थी उसको देखें आपकी, यहाँ से उसने हटा दिया, नई मेमोरी क्रिएट कर दी, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है, ठीक है। आई होप आपको और अच्छे से क्लियर आया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्या, PTR ने उस एड्रेस पे लिया, पुराने वाले एड्रेस को हटा दिया, तो नए वाले एड्रेस पर एक नई, ठीक है, नई उसी एड्रेस पर, सॉरी पुराने वाले एड्रेस पर नहीं, उसी एड्रेस पर जाएगा, एक नई मेमोरी क्रिएट कर दे, उस वाले को हटा देगा, ठीक है। फ्रेंड्स मैं mlock से लेकर relock तक की किस तरह की जो प्रक्रिया रहेगी उसको पूरी तरीके से आपको एक चित्र के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपको प्रोग्राम में आप बनाएंगे उसमें बहुत हेल्प, ठीक है। तो देखिए एक इंटीजर डेटा टाइप भी है, पॉइंटर हमने वेरिएबल क्रिएट किया इस तरीके से कुछ, ठीक है। अब ये पॉइंटर हमारा क्या करेगा, जो हमारा जो मेमोरी एलोकेट की है उसके बेस एड्रेस को स्टोर कर लेगा, ठीक है। उससे क्या होगा, बेस एड्रेस में हम पॉइंट कर सकेंगे, उसमें हम वैल्यू को स्टोर करा सकेंगे, वैल्यू को हम जो भी जिस तरह से एक्सेस कर पाएंगे एक तरीके से, ठीक है। देखिए जो mlock का फंक्शन था, ठीक है, साइज ऑफ हमने लिखा, जिससे क्या होगा, जो इंटीजर हमने डेटा टाइप लिया है उसकी साइज होगा 2, मान लीजिए यहाँ पर अभी गलत लिखा होगा फ्रेंड, ठीक है। तो इस तरीके से एक मान लीजिए 4 byte देता है, तो इसमें जो अभी बता रहे हैं 4, परंतु ये इसमें क्या होता है, इंटीजर का 2 byte रहता है, पर इसमें गलत लिखा होगा, ठीक है, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, ठीक है। अभी हमने 4 byte से मान के चल रहे हैं, ज़ूम कर रहे हैं, ठीक है, जो कि मेरा रॉन्ग है, परंतु मैं आपको 4 byte से बता रहा हूँ, ठीक 4 है। अब इसमें क्या है, 2 से हमने मल्टीप्लाई किया, तो इससे क्या होगा, mlock क्या करेगा फ्रेंड्स, एक 8 byte का एक ब्लॉक क्रिएट कर देगा आपका, ठीक है। इस तरीके से 8 byte का एक ब्लॉक क्रिएट कर दिया, जो कि क्या है, ये हमने यहाँ पे किस्त में कास्ट कर लिया है। अब इसको इंटीजर टाइप की एट ब्लॉक का हमने आपका एक ब्लॉक क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो PTR यहाँ पे क्या करेगा, उस 8 ब्लॉक की जो हमने क्रिएट किया उसका बेस के एड्रेस को बेस का जो बेस होगा उसके एड्रेस को स्टोर कर, यानी उसका प्रारंभिक जो सबसे जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, इनिशियल पॉइंट होगा ना, उसके एड्रेस को स्टोर कर लिया। जैसे कि आप देख सकते हैं 2001 से स्टार्ट है, तो उसका क्या करेगा, PTR में 2001 को पॉइंट को लोकेट करेगा, ठीक है। उससे हम 2008 तक के हम जो उसका डेटा था साइज है उस दर तक एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है, वैल्यू को इनपुट करा पाएंगे, ठीक है। अब फ्रेंड्स अब हमें क्या करना है, रीएलोकेशन करना है। तो फ्रेंड्स अब क्या करना हो, मेमोरी में रीएलोकेशन करना है, तो इसी की हम मेमोरी पे जो भी काम करना होगा, तो इसका जो बेस इसी की हमने मेमोरी रीएलोकेशन किस पे होगा, ठीक है। तो इसी मेमोरी पे हमें रीएलोकेशन करना होगा, ठीक है। तो इसका मतलब होता है आपका पुनः द्वारा से मेमोरी को बनाना। तो किधर बनाना है, यानी आप जो बिल्डिंग बनी है, ठीक है, एक मान लीजिए आपने घर बनाया, तो फिर से आपकी एक ही जमीन है, तो उसको फिर से क्या करना है, द्वारा से क्रिएट करना है। तो अब उसको बिल्डिंग को तोड़ना पड़ेगा, तो इसी तरीके से उसके एड्रेस हमने बेस एड्रेस दिया, तो उसी बेस एड्रेस से क्या करना पड़ेगा फ्रेंड, तो उस बेस एड्रेस पर हमें पुनः अपने साइज जिस हिसाब से साइज के अनुसार, या आप साइज डिक्रीज करना चाहते हैं डिक्रीज, या इंक्रीज करना चाहते हैं इंक्रीज, तो उसी के अनुसार आपको रीएलोकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया फ्रेंड्स, जो उसका बेस एड्रेस, ठीक है, PTR में क्या है, बेस एड्रेस,
तो उस पर जाकर उसने फिर से एक साइज क्रिएट कर दिया। अब आप चाहते हैं कि हमारा जो उस जमीन पर फिर से एक छोटा सा घर बन जाए, तो उसके हमने क्या करा, 4 बेड दिए, ठीक है। अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो आपके ऊपर है, आपको थोड़ा सा बड़ा साइज देना पड़ेगा, यानी 10 देना चाहते तो 10 दे, तो उसको क्या होता है साइज इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करेगा। अब यहाँ पर आपके अगर डेटा आपको कहेगा कास्ट टाइप कर लेंगे, आप जिस टाइप का डेटा टाइप का यूज करेंगे उसकी आपका उस टाइप का डेटा टाइप की बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पीटीआर में उसी अगर आप चाहें तो पीटीआर भी ले सकते हैं, आप चाहें तो दूसरा नया पॉइंटर भी लेकर उसमें स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, 2001 का पॉइंटर में इसमें एड्रेस स्टोर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा वर्कआउट करता है प्रोग्राम में। आई होप आपको और अच्छे से क्लियर हो गया हो।